अभी ऊपर की ओर हम चल रहे हैं, जहां पे तमाम 45 लड़कियों को कैद करके रखा गया था। आइए हम धीरे धीरे आपको दिखाते हैं कि कहां पे वो लड़कियों को रखा गया था। यही वो हॉस्टल है जहां पे 45 से 50 लड़कियों को कैद करके रखा गया था। इसी हॉस्टल में आइए हम दिखाते हैं कौन सा वो रूम था, कैसे क्या हुआ, कैसे बदसुलूकी किया गया, कैसे दुर्व्यवहार किया गया उस लड़कियों के साथ। मामला था इस रूम में, इसी रूम में लड़कियों को बंद करके रखा गया था। कम से कम 40 से 45 लड़कियों को इसी रूम में बंद करके आपको बंद किया गया और पानी उनी सुने कि बंद कर दिया गया। रात को 3 बजे बंद किया गया था। और भी लोगों को नहीं, आज सुबह में मतलब कि 2 बजे तक हम जगे हुए थे, तब तक हम लोग का लाइट था। जैसे ही हम लोग सोए, हम लोग का लाइट भी कट गया। हम लोग का जो पानी आता है वो पानी देने से बंद कर दिया। और यहाँ के जो मकान मालिक है वो हम लोग से कुछ नहीं बोला है। जिस उसका चमचा जो है बोला है कि भीख मांगवाएंगे और जो मतलब बाहर से आदमी आएगा उसको पीटेंगे भी। कौन चमचा पता नहीं है कहाँ पर है चमचा। यहाँ है इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग न्यूज, चमचा कहाँ है चमचा। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोगों को मिलने के लिए। कोई इधर नहीं देख रहा इस वक्त। अभी देखिए हम ये महिलाएं का रेसिडेंशियल में है। यहाँ देखिए इस वक्त देखिए सबसे बड़ी खुलासा, ताला लॉक है। 45 से 50 लड़कियों को बंद किया गया है और ताला मारा गया। यहाँ खुला है, देखिए अंदर से ताला शायद लगाया गया है। भैया को है क्या? ओ भैया, भैया को है। हम लोग लाइन बिजली पानी सब काट दिया गया था। खाना भी नहीं हम लोग खाए थे सुबह से। अभी जाके आए हैं सर तो लाइन दिया और खाना भी बना। उधर से पानी लाए ना सर से बोले कि मंदिर से पानी दे दीजिए, तो वो पानी भी पुजारी ने दे दिया। आप लोग बाहर पानी लेने गए और मकान मालिक मना कर दिए कि पानी मत दीजिए। उनका चमचा मना कर दिया, उनका चमचा मंदिर से पानी मांग रहे थे तो वो भी मना कर दे, नहीं देंगे पानी, नहीं देंगे पानी, हम लोग नहीं पानी देंगे। वहाँ से पानी भी नहीं दिए, गाली दिए, गाली भी दिए। बोले ना कि मंदिर में जाओ भीख मांगो, मंदिर पे जाकर कटोरा लेके भीख मांगने हैं। सबसे ट्राई करना है, जो आएगा ना उसको मारेंगे बांध के। ऐसे सब बोले और मकान मालिक बोले है उनका चमचा, बोले उनका चमचा जो यहाँ का देखभाल करता है। दानापुर कैंट के पास मौजूद है इस वक्त। आज सोशल मीडिया पर देखा जाए तो पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का 77 साल हो गया लेकिन अभी भी महिलाएं यहाँ पे गुलाम है। कहते हैं ना कि महिलाओं को पूजा जाता है इस देश में देवी और लक्ष्मी के रूप में, लेकिन आज ऐसे मामला से ऐसे घटना से रूबरू कराते हैं जहाँ पे दानापुर के एक क्षेत्रीय इलाका में कम से कम 45 से 50 लड़कियों को बंद कमरे में बंद करके रखा गया है। ये बताइए कहाँ तक है। आज पूरा बिहार कहीं ना कहीं, आज पूरा देश जश्न मना रहा है आजादी का, अमृत महोत्सव का, लेकिन किस तरीके से इन सभी लड़कियों को आज बंद कमरे में रखा गया था। क्या नाम है आप लोग का? कौशल इरफान मेरा नाम है सर। आप लोग का क्यों बंद करके रखा गया था सर? मकरमालियों को पैसा नहीं मिला है ना, इसीलिए पैसा नहीं मिला था। हाँ। तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? पढ़ाई स्टडी करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग करने आए हैं और ट्रेनिंग पूरा करना चाहते हैं। यस सर। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पिछले 2 मंथ से रह रहे हैं। 2 मंथ से रह रहे हैं। यस सर। कब आपको बंद किया गया और पानी उनी सुने कि बंद कर दिया गया? रात को 3 बजे बंद किया गया था। और भी लोगों को नहीं, आज सुबह में मतलब कि 2 बजे तक हम जगे हुए थे, तब तक हम लोग का लाइट था। जैसे ही हम लोग सोए, हम लोग का लाइट भी कट गया। हम लोग का जो पानी आता है वो पानी देने से बंद कर दिया। और यहाँ के जो मकान मालिक है वो हम लोग से कुछ नहीं बोला है। जिस उसका चमचा जो है बोला है कि भीख मांगवाएंगे और जो मतलब बाहर से आदमी आएगा उसको पीटेंगे भी। कौन चमचा पता नहीं है कहाँ पर है चमचा। यहाँ है इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग न्यूज, चमचा कहाँ है चमचा। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोगों को मिलने के लिए। कोई इधर नहीं देख रहा इस वक्त। अभी देखिए हम ये महिलाएं का रेसिडेंशियल में है। यहाँ देखिए इस वक्त देखिए सबसे बड़ी खुलासा, ताला लॉक है। 45 से 50 लड़कियों को बंद किया गया है और ताला मारा गया। यहाँ खुला है, देखिए अंदर से ताला शायद लगाया गया है। भैया को है क्या? ओ भैया, भैया को है? ओ भैया, नहीं सुनेगा ना, नहीं सुनेगा। इसमें हम लोग को क्या गलती है? हाँ, हम लोग को क्या गलती है? क्यों लाइट कट गया? क्यों नहीं पानी है? हम लोग जी सकते हैं पानी के बिना? इतने दिन से आप लोग पानी नहीं पिए अभी तक? आज बस सुबह से पानी उठाए। आप लोग अभी तक पानी नहीं पिए? बाप रे बाप, आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमारा आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे ही देश में बहन को किस तरीके से रुलाया जा रहा है। देखिए इन सबके चेहरे पे आंसू किस तरीके से, और देखिए क्या हुआ है।
यहाँ पे हम लोग लाइन बिजली पानी सब काट दिया गया था, खाना भी नहीं हम लोग खाए थे सुबह से। अभी जाके आए हैं सर तो लाइन दिया और खाना भी बना, उधर से पानी लाए ना सर से बोले कि मंदिर से पानी दे दीजिए, तो वो पानी भी पुजारी को दे दिया, पानी नहीं आया। आप लोग बाहर पानी लेने गए और मकान मालिक मना कर दिए कि पानी मत दीजिए, उनका चमचा मना कर दिया, उनका चमचा मना, मंदिर से पानी मांग रहे थे तो वो भी मना कर दिए, नहीं देंगे पानी, नहीं देंगे पानी, हम लोग नहीं पानी देंगे, वहाँ से पानी भी नहीं दिया, गाली दिए, गाली भी दिए, बोले ना कि मंदिर में जाओ भीख मांगो, मंदिर पे जाकर कटोरा लेके भीख मांगने हैं, ऐसे ट्राई करना है, जो आएगा ना उसको मारेंगे बांध के, ऐसे सबको बोले, और मकान मालिक बोले हैं उनका चमचा बोले, उनका चमचा जो यहाँ का देखभाल करता है, गाली गलौज की भी किया, बहुत गंदा गंदा गाली भी दी है, यूज नहीं हो सकता है, उनका बेटी थे ना, ये नहीं सोचे अखबार की मेरे जैसे भी बेटी है, अपना बेटी को ताला मार, जब होता है ताला मार देते हैं, रात को खाना नहीं खा पा रहा है, कैंटीन में खाना बना वो बिगा जा रहा है, लेकिन भोजन खाना नहीं खा पा रहा है, गार्डन मैम हम लोग के पास जब मार्केट गई थी वही ताला बंद किया था, मैम को भी नहीं आने दिया था, तो बताइए हम लोग को कुछ हो जाएगा तो क्या भरपाई करेगा मकान मालिक, पुलिस से संपर्क करने के लिए 112 है। एक बात बताइए, आप लोग के लिए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नारा लगाता है, आप लोगों के लिए काम करता है, तो क्या लगता है सरकार पे, सरकार क्या करेगा, कुछ नहीं करता, करता है क्या, पुलिस के पास आप लोग नहीं फोन किए, नहीं नहीं किया, बंद सर करेंगे फोन भी बंद हो गया, अगर देखिए अरे कहाँ से फोन करेंगे, बात सही है, मोबाइल चार्ज नहीं था सर, कैसे हम लोग चार्ज रहेगा तब ना फोन करेंगे, रात को लाइन कट जाए तो कैसे मोबाइल चार्ज है, अंधेरे में सर देखिए तस्वीरें में दिखाइए, कैमरा फोकस करिए, देखिए किस तरीके से लोगों का हालात बना दिया गया, किसी का गिर गए हम लोग, इसका हाथ देखा मेरा पैर देखा मेरा पैर सूज गया है, क्या चाहते हैं आप लोग, हम लोग चाहते थे हम लोग मकान मालिक कहाँ है, मकान मालिक हम लोग, आइए आप लोग आइए आइए, कोई अंदर बुलाइए तो, देखिए हम फिर से प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का जो देखभाल करते हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे बॉयज भी रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लड़कियों के साथ किस तरीके, थोड़ा सा इधर कैमरा फोकस करिए, ये देखिए यहाँ पे, अरे भैया कोई है क्या, ओ भैया आप है ही नहीं कोई, पूरा लाइट ऑफ है लेकिन घर में बिजली है यहाँ पे, लेकिन आप तस्वीरें में किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं, ताला लगा हुआ है, क्या नहीं जा सकते भाई, किसी के ओ भैया भैया है कोई, ओ भैया कोई नहीं है, है। देखिए इतना जोर से बोलने के बाद भी नहीं सुन पा रहे, अगर अंदर होंगे भी तो वो जानबूझ के मजाक बना रखे हैं, किस तरीके से हमारे देश में बहन बेटियों के साथ किस तरीके से इस तरीके का जो हरकत किया जा रहा है ये गलत है, सरकार की जो नीति है यहाँ पे बताइए, किराया बाकी सोया था हम लोग पैसा मांग रहा है, हड़ताल पे जाना है हम लोग को, आप लोग से मकान मालिक आप लोग को क्यों बंद किया, आप लोग से नहीं ना बात हुई थी किराए का, नहीं हम लोग से नहीं, पैसे कहाँ से आएगा, आज से हम आए जनवरी से, मेरा पैसा अभी तक नहीं है, हम पता है सर बेंगलोर तक गए थे जॉब भी करे थे, वहाँ से लाया गया हम लोग को, ट्रेनिंग क्या क्या पूरा मामला बताइए, लोग देख रहे हैं आपको, ये लोग ट्रेनिंग करके जॉब पे भेजते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ इनका पेमेंट में, उन्होंने क्या किया ताला लगा दिया, अच्छा कल मेरी बात हुई थी 15 अगस्त है आज, कल हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, क्लियर सॉर्ट आउट कर देंगे आपका, लेकिन एचओ इनको 3 बार बुलाया गया, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ये दिल्ली में ही रहते हैं और नहीं गए, जा रहे हैं, थैंक्स सारा मैसेज है मेरे पास, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, ये बच्चे हैं चोट लगा रात में अंधेरे में, तो आप ही सोच सकते हैं कि भाई की मोमबत्ती कैंडल कुछ नहीं है, कोई किसी को आने नहीं दिया जाने नहीं दिया, तो क्या कर सकता है इन बच्चे, ये बच्चे कुछ हो जाता, कोई बीमारी पड़ती, एक दो बच्चे तो है नहीं, किसी को कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करता आदमी, कहाँ जाता, आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन है अभी, लैंडलॉर्ड, अच्छा